प्रोग्राम के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, हम प्रोग्राम के मेन और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेशन रहेगा प्लानिंग स्टडीज एज पर एग्जामिनेशन। इसको प्रेजेंट करने के लिए मैं ब्रदर मोहम्मद आमिर कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट आमिर अकेडमी से दरख्वास्त करता हूँ कि इस प्रोग्राम को प्रेजेंट करें। आप सबको गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, जमात इस्लामी के इनका इस अपॉर्चुनिटी के लिए और फर्स्ट स्पीकिंग पोजीशन देने के लिए, जो तो मैं इसको यूटिलाइज करते हुए आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दूंगा और इंशाल्लाह उसके बाद जो भी एक्सपर्ट्स आने वाले हैं उसको और एलैबोरेट करेंगे कुछ ओवरलैप टॉपिक्स में। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को बेनिफिट होगा। और बोला गया कि आप सब लोग में से मेजॉरिटी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, राइट? 10th स्टैंडर्ड। आप लोगों में से कितने लोग जो इंग्लिश मीडियम से हाथ उठा सकते हैं, उर्दू मीडियम और कन्नडा वगैरह कोई है? ठीक है, तो ज्यादातर मैं समझता हूँ इंग्लिश मीडियम है यहाँ पे, और मैं ज्यादातर उर्दू और हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश का बहुत कम रहेगा ताकि हम सब लोगों को इजीली समझ में आ सके। क्योंकि यहाँ पे हमारा मकसद लैंग्वेज नहीं, यहाँ पे हमारा मकसद कम्युनिकेशन है, राइट? कि मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को ये भी समझना है, ये मकसद को समझते हुए हम लोग उर्दू में बात करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो वन डे वर्कशॉप है उसका टाइटल है हाउ टू फेस एग्जाम, राइट? तो आप लोग इतने साल से जैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड आपके लिए एक बहुत मेजर माइलस्टोन है, तो ये आपके लिए जैसे टर्निंग पॉइंट है बोला जाता है, तो इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बाय द वे आप सब लोगों को ऑडिबल हुआ लास्ट में? ऑडिबल हो रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से पढ़ा हुआ हूँ और मेरे प्रोफेसर भी आगे सेशन लेने वाले हैं, प्रोफेसर विजेंद्र पांडे, तो मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ 5 इयर्स के लिए। तो हम लोग टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो मुझे जो स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया है वो है उसका नाम प्लानिंग स्टडीज एज पर एग्जामिनेशन। तो ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल टॉपिक का एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, हम इसे कंसिडर कीजिए इसको। हर चीज का जैसा हमारे लाइफ में और हमारा हर एक्ट का जैसा एक पर्पस रहता, ये सेशन जो 20 मिनट्स का है इसका भी एक सेशन ये है कि एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटजीज फॉर प्लानिंग स्टडीज दैट लीड टू एग्जाम सक्सेस, यानी कि हम क्या स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं जिससे हम लोगों को एग्जामिनेशन में सक्सेस मिलता। हम लोग टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, एक्टिव लर्निंग और ब्रीफली बैलेंस अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और उससे पहले हम लोग ये एस्टैब्लिश करना जरूरी है कि हम एग्जाम्स को जो फेस कर रहे हैं हम लोग क्या माइंडसेट से जा रहे हैं वहां पे। ये चीज आप लोग ऑलरेडी जानते हैं लेकिन मैं एक रिमाइंडर के तौर पे ये देना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल हम लोग पढ़ाई करते हैं या एक प्रोफेशन में जाते हैं सोसाइटी की हेल्प करने के लिए, राइट? तो वो हम लोग एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में रहना जरूरी है। एग्जाम हमारा एंड गोल नहीं है, एग्जाम एक जरिया है हमारी कॉम्पिटेंस, हमारे प्रोफेशनलिज्म को प्रूव करने के लिए। लेकिन होता है कि एज ह्यूमंस हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं और ये समझते हैं कि एग्जाम हमारा फाइनल एंड गोल है। एग्जाम एंड गोल नहीं है, वो बस एक जरिया है, मार्क्स एक जरिया है आप अपने कॉम्पिटेंस को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो है, फर्स्ट टॉपिक हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है, जिसके बारे में आगे प्रोफेसर विजेंद्र पांडे जी और डिटेल में बोलेंगे, मैं उसका आपको ओरिएंटेशन दे दूं। मैं रिसेंटली एक चीज डिस्कस कर रहा था मेरे फ्रेंड्स के साथ और मैं उसके बारे में कुछ लिख रहा भी था ब्लॉग पोस्ट, वो ये है कि अक्सर हम लोग टाइम मैनेजमेंट के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करते हैं लेकिन हम सब ज्यादातर लोग इंक्लूडिंग मैं बोल, हम लोग पास सफिशियंट टाइम है? आप लोग एग्री करते हैं सफिशियंट टाइम है हम लोग पास? क्योंकि हम लोग उतने ज्यादा भी एंगेज नहीं है किसी वर्क में कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं आपको अलग पर्सपेक्टिव ये देना चाह रहा हूँ कि मोर देन टाइम मैनेजमेंट इट्स अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट, कि हम लोग पास टाइम रहेगा कई बार करने के लिए काम है लेकिन एनर्जी नहीं है करने के लिए, मोटिवेशन नहीं है। कितने लोग अग्री करते हैं इस चीज से कि हमारे पास टाइम है लेकिन एनर्जी और मोटिवेशन नहीं है, राइट? ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि सेशन को हम लोग इंटरेक्टिव बनाएंगे, आप लोग हार गए इसके लिए जब जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। साइकोलॉजी में हमारे को बताया जाता है कि जितना आप लोग इंटरेक्टिव करते हैं, जितना एक्टिवली लर्न करते हैं जो आगे का टॉपिक है, उतना आप ज्यादा मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करिए। तो हम लोग टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट पे भी फोकस करना जरूरी है। एक बार हम लोग को क्लियर हो गया कि हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं,
तो हमारा माइंड ऐसा डिजाइन है कि ऑटोमेटिकली हम लोगों को मोटिवेट कर देता है। हम लोग कई बार क्या एक्सटर्नली मोटिवेशन को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन एक बार आपका मकसद क्लियर हो गया ना, आपको मोटिवेशन खुद आ जाता है। तो फर्स्ट टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, जो आपको कौन सा भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने में हेल्प करता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पढ़ना है बहुत कुछ, लेकिन आप स्टार्ट नहीं कर पाते, राइट? एक बार आप स्टार्ट करें तो कर लेते, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए एक बेहतरीन टेक्निक है पोमोडोरो। कितने लोग ये वर्ड सुने हुए हैं, पोमोडोरो वर्ड, पोमोडोरो टेक्निक वर्ड सुने हुए हैं, ठीक है? बहुत सिंपल टेक्निक है, और कई बार ऐसा होता है कि सिंपल टेक्निक सबसे ज्यादा पावरफुल निकलते हैं। हम लोग तलाश करते हैं कि कोई ऐसा बहुत हाई लेवल हमको टेक्निक मिल जाना, लेकिन कई बार सिंपल टेक्निक्स आपको मिरेकल्स कर देते हैं। पोमोडोरो टेक्निक बहुत इजी है। आप जब स्टार्ट नहीं कर पाते कोचिंग में, चीज आपको बस टाइमर रखना है 25 मिनट्स का, और अपने आपको फोर्स करना है 25 मिनट स्टडी करना है, और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट्स ऑफ वर्क, 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक, ये एक साइकिल हो गया। इसको आपको 3 बार रिपीट करना है 25-5, तो टोटल 1.5 आवर हो जाता है। इसमें कुछ वेरिएशन भी है, आप अपने पर्सनैलिटी के ऊपर और अपने मेमोरी के हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये सुनने में इतना सिंपल लग रहा है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या डीप मीनिंग है, लेकिन इसके पीछे बहुत डीप मीनिंग ये है कि जो आपका इनर्शिया रहता है, जो शुरुआत करने के लिए रुकावट आते रहती ना, वो चीज को ओवरकम हो जाती है। और आप 25 मिनट जब वर्क करते हैं, आपका दिमाग ये बोलता है कि फोन देखना है या आपको कंप्यूटर यूज करना है, टीवी देखना है, उससे आप अपने आपको एक सिंपल चीज बोलना कि बस 25 मिनट में मेरा ब्रेक आने वाला है, वो फिर 5 मिनट के ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप एंटरटेनमेंट या रिलैक्सेशन कुछ भी कर सकते जो आपके लिए हेल्दी है। तो ये 25 मिनट में आप अपने माइंड को एक बार बोल दिया ना कि 5 मिनट ब्रेक आने वाला है, बस 25 मिनट काम कर लो। और 25 मिनट उतना बड़ा टाइम नहीं है, राइट? उतना बड़ा टाइम नहीं है 25 मिनट। तो अपने माइंड को, आप अपने माइंड को ऐसे ट्रिक करके आप काम ले सकते हैं। और 5 मिनट जब एंड हो जाते हैं, फिर 25 मिनट वर्क, 25-5, 25-5, ऐसे 3 साइकिल्स। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक था पोमोडोरो। नेक्स्ट चीज है बहुत बेसिक सा पॉइंट कि अलॉट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, कई बार कुछ सब्जेक्ट जिसमें हम लोगों को ज्यादा टेंशन हो रहा उस पर ज्यादा फोकस कर देते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट पर टाइम अलॉट नहीं कर सकते। तो जरूरी है कि साल के शुरू में और सेमेस्टर के शुरू में आप लोग अलोकेट करना टाइम हर सब्जेक्ट के लिए। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम अलोकेट करना। और एक ट्रिक ये बताना चाह रहा हूं आपको, डिपेंडिंग ऑन आपका मोटिवेशन लेवल और आपका मूड और अटेंशन, आप चूज करना कि आज मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। किसी दिन आपका मोटिवेशन लो है तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट निकालना, किसी दिन मोटिवेशन हाई है आप फुल्ली फोकस कर पा रहे हैं, आप पूरी तरीके से आप रेस्टेड है, स्लीप हुई है, उस दिन आप हार्ड सब्जेक्ट यूटिलाइज करना। ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, विल पावर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हमारे पूरे दिन भर में विल पावर लिमिटेड है, तो आप उसको ध्यान से डिस्ट्रीब्यूट करके यूटिलाइज करना, ठीक है? तो आप स्टार्ट कर सकते हैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट से, और जैसे जैसे मोटिवेशन लो आता आप इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग सब्जेक्ट पे मूव कर सकते, ठीक है? क्लियर है सब लोगों को, राइट? तो नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस बिटवीन स्टडी एंड ब्रेक्स। जनरली हम लोगों को क्या होता, या तो अगर हम ब्रेक लिए तो कंप्लीटली ब्रेक टाइम हो जाता, या स्टडी करें तो सिर्फ हम स्टडी करने लगते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई इंसान जिम जाके वर्कआउट कर रहा, आप लोगों में से कितने लोग जिम जाते हुए लोग जाते ना लोग, ठीक है? अभी थोड़ा हेजिटेशन है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है जैसे ऐसा वर्कशॉप आगे बढ़ता वो हेजिटेशन को कम करने के लिए ट्राई करिए, क्योंकि ये आपके लिए ऐसा मौका है जो एक यूनिक मौका है, इसको यूटिलाइज करिए, ठीक है? फिर से ट्राई करिए, कितने लोग जिम जाते हैं, ठीक है? गुड, ठीक है। हम वहां पे एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो यहाँ पे मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। जब आप जाके वर्कआउट करते हैं, जब आपके मसल्स ग्रो नहीं होते, जब आप रेस्ट करते हैं और सोते हैं, जब आपकी बॉडी रिपेयर मोड में जब जाती है, जब आपके मसल्स ग्रो होते हैं, तो जैसा फिजिक्स यानी कि अपने फिजिक्स से रिलेटेड है बॉडी से, वैसा माइंड भी वैसे ही काम करता। जब आप याद करके बैठ के घंटों तक, जब मेमोरी टेम्परेरली फॉर्म होती है, लेकिन जब आप सोते और रेस्ट करते हैं, वो शॉर्ट टर्म या मॉडरेट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती है, समझ रहे? तो एग्जाम से कुछ दिन पहले अगर आप नींद स्किप कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी को बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है उससे, ठीक है? तो जो भी आप पढ़ना है प्रॉपरली प्लान करके पढ़ लेना, लेकिन आप अपनी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि एक्चुअल जो मेमोरी फॉर्म होती है वो उस टाइम पे होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप स्टडी और ब्रेक के बीच में एक ऑप्टिमल टाइम मेंटेन करना, और इसका एक अच्छा रेशियो है 25 और 5 का, जो हम पोमोडोरो टेक्निक में देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इन द सेकंड सेक्शन है हमारे सेशन का, वो है गोल सेटिंग। मैं आपको बहुत इजी वे में बोलना चाह रहा हूं गोल सेटिंग क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है वो। आप लोग रिसेंटली लास्ट 1 या 2 मंथ्स में कोई ट्रैवल करें? कितने लोग ट्रैवल करें लास्ट 1 या 2 महीने में? ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स में कोई ट्रैवल करा करें? तो आप इमेजिन करिए कि आप बस में बैठे हुए हैं, बस में बैठे आप और कंडक्टर आके पूछ रहे हैं आपको कि कहां पे जाना है, और आप बोल दे कि कहीं भी चल जाता। ऐसा कभी हुआ था क्या? नहीं हुआ ना। चाहे वो इंसान एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड, इंटेलिजेंट हो या नहीं, उनको मालूम रहता है कि आपको यहाँ पे जाना है। आप बस में बैठे तो एक मकसद से बैठे, राइट? डिटेक्ट कर सक रहे आप लोग? तो यहाँ पर गोल हो गया। हम नॉर्मली समझते कि बहुत बड़े बड़े टर्म्स है या मोटिवेशन स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं हमारे से क्या रिलेटेड है, लेकिन इतने सिंपल कॉन्सेप्ट से अगर हम इसको समझें तो गोल सेटिंग यानी कि हमारा मकसद क्या है उसको डिफाइन करना है पहले, जब हम उसको रीच कर सकते हैं। नहीं तो वैसी बात हो जाती है, अगर कंडक्टर आपको कहीं की भी टिकट दे दिया तो आप चले जा रहे हैं, लेकिन आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, किस मकसद से जा रहे हैं, वो आपका एस्टैब्लिश किए तो मतलब नहीं। तो वैसे हमारी पढ़ाई का भी और हर पढ़ाई के सेशन का भी एक आपको गोल और ऑब्जेक्टिव रहना जरूरी है। हम लोग जनरली सीखते हैं कि गोल सेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि स्मार्ट गोल्स। हम जो स्मार्ट वर्ड जानते हैं गोल नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, SMART, फुल फॉर्म वहाँ पे आप देख सकते हो उसका। तो आइडियली आप गोल्स ऐसे सेट करना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। और मैं चाहूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश करिए कि नोट्स लेने के लिए। तो फर्स्ट गोल है स्पेसिफिक, और मैं चाह रहा हूँ कि इस एक्सप्लेनेशन के दौरान आप लोग अपने गोल से रिलेट करिए कि आप लास्ट टाइम जो पढ़ने के लिए बैठे हुए थे उस सेशन में क्या आपका ऐसा गोल था या नहीं। फर्स्ट चीज स्पेसिफिक, यानी कि डिफाइन रहना कि आज मैं ये सब्जेक्ट का, ये चैप्टर का, ये टॉपिक पढ़ने वाला हूँ इतनी देर के लिए, और ये लेवल पे मेरे को महारत होना है, उसका एक्सपर्टीज होना है, वो डिफाइन करके बैठना। जनरली होता है कि आज हम डिसाइड कर लेते कि आज मैं पढ़ने बैठता हूँ और सब्जेक्ट कौन सा है वो डिसाइड नहीं रहता, या सब्जेक्ट डिसाइडेड भी है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर रहता है कि मैं क्या स्पेसिफिक अचीव करना चाह रहा हूँ। सेकेंड चीज है मेजरेबल, यानी कि गोल ऐसा रहना जिसको आप मेजर कर सकना, यानी कि आप अगर 1 घंटे के लिए बैठे हैं पढ़ने के लिए और 1 घंटा हो गया और मैं आपसे पूछा कि आप जो चाह रहे थे वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, तो आप बोल सकना यस और नो, एग्जैक्टली आप मेजर कर पाना अपने गोल को, राइट? तो आगे बढ़ेंगे अचीवेबल। अचीवेबल यानी ऐसा रहना जो आप एक्चुअली कर पाना, जैसे कि आप एक पूरा चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं और हाफ एन आवर पे गोल सेट करें तो ज्यादातर केसेस में अचीवेबल नहीं है, राइट? एक पूरा चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हाफ एन आवर में तो नहीं हो सकता यूजुअली। तो ऐसा रहना जो आप कर पा, रिलेवेंट भी वही है कि आपका जो ओवरऑल लाइफ में गोल है उसमें फिट होना कहीं ना कहीं हो, तो आपसे रिलेवेंट रहना आपकी गोल से। लास्ट वाला पॉइंट है टी से टाइम बाउंड, यानी कि आप उसको ड्यूरेशन फिक्स करना है कि मैं इतनी देर में ये अचीव करने वाला हूँ। तो ये सबको हम कंबाइन करते हुए हम एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे कि कैसा आप लोग अपने स्टडी सेशंस में गोल सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं चाह रहा हूँ आप लोग कोई एग्जाम्पल शेयर करिए, स्पेसिफिक कैसे रख सकते हैं, आप आज कितनी देर के लिए बैठे, क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, कोई एग्जाम्पल शेयर कर सकते हो? अगर मैं आपको पूछा आज आप पढ़ने बैठे तो क्या पढ़ना चाह रहे हैं, एक एग्जांपल दीजिए, कोई शेयर करना चाह रहा है? यस, ठीक है। अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है ओपन अप होने के लिए, लेकिन स्लोली स्लोली ओपन अप होइए, हेजिटेशन को कम करिए। ऐसा समझिए कि ये भी आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, आप अपनी साइकोलॉजी को भी स्लोली स्लोली इवॉल्व करना है। अगर ये पूरे वर्कशॉप के एंड में आप 1% भी चेंज हुआ है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, राइट? तो स्पेसिफिक गोल यानी ऐसा है कि मैं आज पढ़ने बैठने वाला हूँ और मेरे को मैथ्स का ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का एक्सपर्टीज होना है। स्पेसिफिक आप डिफाइन कर दिए, और मेजरेबल है क्योंकि उसमें अज्यूम करें कि 10 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि 1 घंटे के एंड में आप कितने क्वेश्चन करे। 1 घंटा जो मैं मेंशन कर रहा हूँ टाइम बाउंड है, और ये आपके लिए रिलेवेंट है क्योंकि आपका 10th का एग्जाम आने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। आउट ऑफ द 4 सेक्शन हम लोग थर्ड सेक्शन में इस पर ध्यान दीजिए, एक्टिव लर्निंग, जो मैं आपको बोला था कि इंटरेक्शन करना जरूरी है,
डिस्कशन करना जरूरी है। अगर ये ऑडियंस का साइज और कम लेवल में और ज्यादा इंटरेक्टिव कर सकते थे, लेकिन कोशिश करिए अभी आप हाथ रेस करके थ्रू इंटरेक्शन करने का। एक्टिव लर्निंग ये है कि आप कौन सी भी चीज में फुल्ली इन्वॉल्व हो गए। जैसे आप याद करिए अपने बचपन में कोई आपको खिलौना मिलता था तो आप में से कितने लोग थे जो पहले उसको पूरा अलग कर देते थे, हर पार्ट अलग, कितने लोग हैं? और आप लोगों में से कितने लोग इंजीनियरिंग की ख्वाहिश रखते हैं? ठीक है, जैसे तो आप लोगों का जो माइंड सेट है कि चीजों को एक्सप्लोर करना, तो ये उससे रिलेटेड था। तो ये एक्टिव लर्निंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप चीजों को अपने हाथ से देखना चाह रहे हैं, ऑपरेट करना चाह रहे हैं, राइट, बस आप कंज्यूम नहीं करना चाह रहे पैसिवली। इमेजिन करिए आप एक लेक्चर सुन रहे हैं ऑनलाइन मोड में, आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते लेक्चरर से, ये पैसिव लर्निंग हो गया कि बस आप सुन ले रहे कान से और देख रहे। एक्टिव लर्निंग ये कि आप डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, नोट लिख रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे, राइट, ये एक्टिव लर्निंग है जितना एक्टिवली आप इन्वॉल्व हो पाए। तो इसके अंदर ये टॉपिक आता है कि एक्टिव रिकॉल है। रिकॉल का मीनिंग कोई बोल सकते रिकॉल? ठीक है, ऑडिबल नहीं है, लेकिन शायद आप लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि चीजों को फिर से याद करना, रिकॉल, फिर से याददाश्त में वापस लाना उस चीज को। जनरली हम लोग क्या होता है, इमेजिन करें कि ये मेरा सब्जेक्ट है, आपने पढ़ना डिसाइड कर लिया, गोल सेटिंग तो हो गया, ये चार पेजे से अज्यूम करिएगा। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते आगे आते, हाँ ये मेरे को आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बंद करके रख देते, लेकिन हम अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे। तो एक्टिव रिकॉल हम लोग को ये हेल्प करता है कि आप एक पैराग्राफ या एक पेज पढ़ लिए, आप उसको बंद करके, आंख बंद करके रिकॉल करना कि मेरे को याद हुआ या नहीं हुआ। क्लियर? बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, हर थोड़ी देर में आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं कि मेरे को याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, माइंड मैप का कॉन्सेप्ट आप लोग कई लोग सुने होंगे, माइंड और मैप, इसका मीनिंग बहुत इजीली समझ पाए। हमारे माइंड के अंदर हमें एक मैप फॉर्म करना है, शायद सर इस पे आगे और बोलेंगे। ठीक है, माइंड मैप बहुत ही सिंपल टेक्निक है, वो ये है कि आपका जो भी सिलेबस है और टॉपिक है वो बहुत वाइड रहता है, बहुत सारी चीजें है, आप उनके बीच का जो कनेक्शन है उनको क्लियर करना। जैसे कि बीच में आप एक बड़ा सर्कल बना के सब्जेक्ट का नाम लिखिए, बड़ा सर्कल बना के सब्जेक्ट का नाम लिखिए, उससे आपको ब्रांचेस और लाइंस ड्रॉ करना है कि इससे रिलेटेड ये है, फिर उसके अंदर और टॉपिक्स है। तो इससे यह होता है कि आपका पूरा जो चैप्टर है या जो पूरा सब्जेक्ट है वो आपको एक पेज में उसका समरी या ओवरव्यू मिल जाता। तो आपके दिमाग में एक बार वो बैठ गया तो आपको आगे ऐसा नहीं पता कि जब आप रिकॉल कर रहे, अरे वो उधर था वो पेज पे, आपको दिमाग में मैप बन जाता। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि आज के डेट में हम लोग इतने लकी हैं कि हमारे पास AI के टूल्स है और हाई क्वालिटी YouTube वीडियोस है, ऑनलाइन फ्री और पेड कोर्सेस है। तो स्मार्ट चीज ये है कि हम लोग इस ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना ज्यादा। खान अकेडमी नाम की वेबसाइट है, कोर्सेरा है, YouTube के हाई क्वालिटी वीडियोस है, और ChatGPT की वजह से हमारे पास AI टूल्स है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका पूरा एक असिस्टेंट बनकर आपका हेल्प कर सकता है। तो यही ऑनलाइन रिसोर्सेज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यह हमारा लास्ट टॉपिक है, बैलेंस अप्रोच, जो मैं ब्रीफली जिक्र करा था पहले, वो ये है कि आप लोग जो भी कर रहे हैं प्लान करके करना है, लास्ट मिनट पैनिक नहीं करना है। जब आप पहले से प्लान करिए आपको मालूम पड़ जाता है कि ये टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट है, इसको ज्यादा टाइम देना है, ये इजी है, कम टाइम देना है। तो जब आप साल के शुरू में या सेमेस्टर के शुरू में या अभी आपके कुछ महीने में जो एग्जाम्स आने वाले, अभी से प्लान कर लिए ना, लास्ट मिनट पैनिक को अवॉइड कर सकते हैं। लास्ट मिनट पैनिक का ड्रॉबैक ये है कि आप जब स्ट्रेस आउट हो जाते हैं आपकी मेमोरी फेड होना शुरू होती है। जितना आप ज्यादा स्ट्रेस हो जाते उतना आपकी मेमोरी कम होना शुरू होती है। आप कितना भी पढ़े तो स्ट्रेस की वजह से आपका मेमोरी का इफेक्ट होना शुरू होता है। और लास्ट पॉइंट ये है जो मैं शुरू में बोला था, उसको कनेक्ट करना चाह रहा था, आप क्या ऑब्जेक्टिव से स्टडी कर रहे हो और क्या ऑब्जेक्टिव से आप एग्जाम में अपीयर हो रही है, क्लियर है ना। एग्जाम को अपना अल्टीमेट मकसद मत बनाइए, वो एक जरिया है आप अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस ग्रोथ करने के लिए, राइट। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन है। हम लोग चार चीजें डिस्कस कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, एक्टिव लर्निंग और बैलेंस अप्रोच। ब्रीफली समराइज करें तो इसका पर्पस ये था कि हम लोग ऐसे स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर करेंगे जिससे हम लोग एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और उससे भी बड़ी बात ये है कि कितना सब्जेक्ट को रिटेन कर सकते, नॉलेज को आप कितना देर तक रख सकते, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाना कि एग्जाम के बाद आप भूल जाए, राइट, क्योंकि आपको अप्लाई करना है ओवर द करियर ऑफ 40 इयर्स।
तो कैसा 40 इयर्स तक आप रिटेन कर सकते हैं, वो हमारा मकसद है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली ये कि कैसा पहले से तैयारी करना, प्लानिंग करना, चीजों को लास्ट मिनट अवॉइड करना। गोल सेटिंग ये है कि हर चीज का ऐसा मकसद है, पढ़ाई का भी, हर सेशन का, हर सब्जेक्ट का एक मकसद है, वो मकसद को एस्टैब्लिश करना है। एक्टिव लर्निंग ये है कि बस हमको कंज्यूम नहीं करना है, एक्टिवली आपको इन्वॉल्व होकर क्वेश्चन करना है, मटेरियल के साथ एंगेज होना है, जितना हो सके प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। और बैलेंस अप्रोच एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि आपको हरी भरी नहीं करना है, हर चीज प्लानिंग के साथ करना है। तो ये हमारा कंक्लूजन था, उम्मीद है आप लोगों को इस ब्रीफ सेशन का बेनिफिट मिला होगा। और आप लोग कोशिश करिए कि जो भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, हर एक से बेनिफिट लीजिए, और अगर टाइम मिला तो इंटरेक्ट भी करिए और नोट्स लीजिए हर चीज का। तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आप लोग फर्दर कॉन्टेक्ट में आके कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो मैं अवेलेबल हूँ उस चीज के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग की जो ग्रोथ की जर्नी है उसका हिस्सा मैं भी बनने का मौका मिला। तो शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर। ब्रदर मोहम्मद आकर।